सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का, पूरे आजाद कश्मीर का, जब से मैं कराची से चला हूँ, आजाद कश्मीर में आया हूँ, और आजाद कश्मीर में जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत इज्जत दी है, ये मेरी जिंदगी के, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह ये मेरी खूबसूरत यादों में से ये दिन होंगे। तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे डीसी साहब का, पुलिस का, इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी मुलाकात आपसे एक बड़े अच्छे माहौल में की है। एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, उसके हवाले से हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना जरूरी है, चाहे वो मेरे ऊपर हो चाहे वो आपके ऊपर हो, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हम सब की जरूरत है। मैं टीवी पे या तस्वीरों में ये आप लोगों के खूबसूरत गांव, खूबसूरत शहर देखा करता था और ख्वाहिश होती थी मेरी कि यार मैं कब जाऊंगा इन जगहों पे, कब देख के आऊंगा, कब यहाँ के लोगों से मिल के आऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। आपकी ये जगहें आप लोगों की तरह बहुत खूबसूरत है। हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर रहने वाले जो लोग हैं वो आप लोगों को हमेशा, आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। जिस तरीके से आप लोग पाकिस्तान के लिए दिन रात कोशिश करके मेहनत कर रहे हैं वो खराज तहसीन में आपको पेश करता हूँ। हमारी पाक फौज को खास तौर पे, उन्होंने अपने कुर्बानियों का जो नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, उस पर भी मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाऊंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पीसीबी से, कि अगली बार जो पीएसएल होगा उस पीएसएल में जो अगली टीम होगी वो कश्मीर के नाम से होगी।